बात कर रहे हैं चुनावी रणनीति। कड़ी सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए भी मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों से भारी तादाद में मतदान की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके सभी मतदाताओं से अपना वोट डालने और लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बनने की अपील की। शुरुआत और आज दोनों ही राज्यों में सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। खास नजर अब महाराष्ट्र पर डालते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही है। युवा और जो महिला है वो भी मतदान को लेकर खासे उत्साहजनक देखे जा रहे हैं। बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों पर पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर वो भी आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य की सभी 288 सीटों के लिए करीब 9 करोड़ मतदाता 3,237 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इनमें 325 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मतदान के लिए राज्य भर में 96,661 मतदान केंद्रों पर 6.5 लाख मतदान कर्मी तैनात हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 3 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से है। विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य की 17 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी और एनसीपी के बीच कड़ा मुकाबला है। और 2014 विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 288 सीटों में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 2014 में बीजेपी को 27.81% वोट हासिल हुए। वहीं शिवसेना के खाते में 63 सीटें गईं, उसे 19.35% मत मिले। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के खाते में महज 42 सीटें आईं और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को 17.95% मत हासिल हुए। इसके अलावा एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली और 17.24% वोट हासिल हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सीधी टक्कर है। आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार महाराष्ट्र के चुनावी रण में हैं। सबसे पहले बात करें नागपुर साउथ वेस्ट सीट की, तो यहां से महाराष्ट्र के सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से आशीष देशमुख को उतारा है। वर्ली सीट भी खास है, यहां ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से शिवसेना के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की चुनावी परीक्षा होनी है और ये पहली बार हो रहा है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सीधे चुनावी मैदान में है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एनसीपी के सुरेश माने चुनावी मैदान में है। वहीं परली सीट, यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के धनंजय मुंडे उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा शिरडी, जो कि धार्मिक नगरी है, यहां महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल चुनावी समर में उतरे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से सुरेश जगन्नाथ थोरट को उम्मीदवार बनाया है। किस तरह से चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नविक्रम, बताइए किस तरह से मुंबई में
चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरह से पिछले चुनाव से अलग इस बार महाराष्ट्र में चुनाव दिखाई दे रहा है? जी प्रीति, अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो सुबह यहाँ हालांकि कुछ कतारें कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन शुरू हुआ है वैसे वैसे कतारें बढ़ना शुरू हो गई हैं। लोग अपने घरों से निकल आए हैं वोट करने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जो अगर बात करें पिछले चुनाव से इस चुनाव में, हम अगर देखें तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे काफी हावी थे, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दे हावी हैं। मुंबई मेट्रो को लेकर और तमाम जो राज्य सरकार ने पहल की है और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं वो उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस और जो एनसीपी का गठबंधन है उसका कहना है कि स्थानीय मुद्दों को उतनी तरजीह नहीं दी गई और राज्य के विकास में कोई विशेष योजना नहीं चलाई गई। तो कुल मिलाकर यही है कि इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी दिख रहे हैं। बिल्कुल, और मुंबई में आप हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आज वोटिंग के लिए मुंबई में आगे आएंगे, तो सुबह सुबह जिन बड़े नामों ने वोट किया हो अगर उनके बारे में बताया तो यहाँ पर सुबह से ही जैसे नागपुर में वहाँ पर जो आरएसएस चीफ है उन्होंने वोटिंग की, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस से लेकर तो कई बड़े नाम, और यहाँ क्योंकि मुंबई में मैं मौजूद हूँ यहाँ फिल्मी हस्तियां भी बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए लगातार आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही संदेश भी दिया जा रहा है कि जो वोटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा करें, जो फिल्मी हस्तियां हों या फिर स्वयं प्रधानमंत्री ने भी वोटिंग के लिए लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा आकर बड़ी संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और जैसे आप बता रहे हैं नविक्रम, क्योंकि बड़े नाम हैं और हम देख रहे हैं कि अब जो अपील है चुनाव दर चुनाव, वो भी जो प्रमुख हस्तियां उनकी तरफ से वोटिंग में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को लेकर की जाती रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार जो वोट प्रतिशत है वो शहरी इलाकों में भी काफी बढ़ता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल प्रीति, हमने चुनाव आयोग से बात की थी क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र करीब आधी आबादी शहरी आबादी है यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए साथ ही जो डिजिटल मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलाने की कोशिश की चुनाव में, जिसका असर आज दिखाई दे रहा है प्रीति। यहाँ पर लगातार जो युवा मतदाता हैं, क्योंकि राज्य में करीब 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका असर मत प्रतिशत पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको एक नजारा भी, ये देखिए पोलिंग बूथ का, यहाँ से कुछ दूरी पर पोलिंग बूथ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बिल्कुल और अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। जो उत्साह लोगों में दिख रहा है वो भी हम आपसे समझेंगे नविक्रम आगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की चुनावी लड़की। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, महिलाओं और युवाओं में भी उत्साह नजर आ रहा है, बुजुर्ग भी पीछे नहीं दिख रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य की सभी सीटों के लिए 1,83,00,000 से ज्यादा मतदाता 1,169 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 19,578 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और राज्य में 75,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हरियाणा में 2014 विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। पार्टी ने 90 सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी को 33.20% वोट मिले थे। वहीं INLD 24.11 वोट प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर रही थी और पार्टी को 19 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 20.58% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रही थी और उसे 15 सीटें मिली थी।
जबकि HJCBL को 2, शिरोमणि अकाली दल और BSP को 1-1 सीट मिली और निर्दलीय को 5 सीटें मिली थी। तो ये सीटों की स्थिति और वोट शेयर के हिसाब से स्थिति 2014 में रही थी हरियाणा के चुनावी रण की अगर बात करें। और वहीं हरियाणा में महिलाओं की वोटिंग बढ़ाने के मकसद से पिंक बूथ भी बनाए गए हैं और चुनाव आयोग खासतौर से कोशिश करता है कि जो महिलाएं हैं उनकी खासियत भी पहचानी जाए और वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। करनाल में ऐसे एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान ने। हम लोग एक पिंक पोलिंग बूथ पर हैं। हरियाणा के तमाम 90 विधानसभा सीटों पर पोलिंग का काम शांतिपूर्वक चल रहा है और ऐसे ही एक विधानसभा सीट के पिंक पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है कि यहां पर तमाम जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं वो महिलाएं हैं और इसको स्पेशल डिजाइन किया गया है महिलाओं को ज्यादा जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि महिलाओं को जो चुनाव के वक्त समस्याएं आ सकती थी उनको दूर किया जा सके। और ऐसे ही एक पिंक पोलिंग स्टेशन पर हम लोग हैं जिसमें तमाम महिलाएं कार्यरत हैं और वो महिलाओं को किस तरीके से ज्यादा भागीदारी इस मतदान में की जानी चाहिए उसकी कोशिश कर रही हैं। देखिए किस तरीके से सजाया गया है इस पोलिंग बूथ को, आप देखिए पिंक गुब्बारों के साथ रेड कार्पेट भी यहां पर बिछाया गया है ताकि हर मतदाता को ये दिखाया जा सके कि कितने अहम इस चुनाव के वक्त पर मतदाता होता है। गुब्बारे सजाए गए हैं, कई जगह पे रेड कार्पेट जो है वो रोल किया गया है। इधर देखिए रंगोली यहां पर बनाई गई है विशेष तौर पर, कुछ महिलाओं ने जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हैं उन्होंने ये रंगोली बनाई है ताकि दिखाया जा सके कि इस चुनाव के वक्त हर मतदाता कितना अहम है। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, इनका संदेश है कि मतदान जरूर करें। और ये महिलाएं हर आने वाले मतदाता को तिलक लगाकर उसका स्वागत करती हैं और उनको गाइड कर रही हैं कि इलेक्शन में अगर किसी तरह की दिक्कत है, कोई आपको मदद की जरूरत है तो ये महिलाएं तो वो उनको हेल्प कर रही हैं। और सीधा रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता जो हरियाणा के समय चुनावी हलचल है वो हमें बताएंगे। आपने पिंक बूथ का जायजा लिया, अच्छी तस्वीरें रविंद्र हम तक पहुंचाई है, अब जरा उत्साह को लेकर जहां मौजूद है वहां थोड़ा हमें बताइए किस तरह का उत्साह आज वोटिंग को लेकर दिख रहा है। रहे हैं और 7 बजे का निर्धारित वक्त था जब इस चुनाव में वोटिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन उसके ठीक पहले से ही यहां पर लोग आना शुरू हो गए और खासतौर पर जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या बुजुर्ग हैं उन्होंने ज्यादा उत्साह सवेरे दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे घरेलू महिलाएं, काम करने वाली महिलाएं या युवा साथी जो हैं वो भी आना शुरू हो गए और हर तरीके के लोग, व्हील चेयर बाउंड से लेकर बुजुर्ग से लेकर और पहली बार के मतदाता, तमाम लोगों के बीच बड़ा भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कई क्षेत्रों में हरियाणवी संस्कृति के हिसाब से अपने अपने जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, उनमें महिलाएं चुनाव में अपना वोट डालने के लिए आ रही हैं, गीत गाते हुए आ रही हैं और कुछ चुनाव के जो बूथ हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जहां पर संदेश भी साथ साथ दिया जा सके, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है या फिर पर्यावरण के लिए संदेश है ताकि वोट भी डाला जाए और पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए और इस तरीके से कोशिश की जा रही है। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं, पुलिस के चारों चाक चौबंद बंदोबस्त यहां पर किया गया है, मतदाताओं के लिहाज से हर जरूरी साजो सामान जो है वो उपलब्ध कराया गया है पोलिंग बूथ पर और कई जगह पर रेड कार्पेट है वो बिछाया गया है ताकि मतदाताओं को दिखाया जा सके कितने महत्वपूर्ण। यानी एक बार फिर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर दी है, अब मतदाताओं को दिखाना है कि वो कितनी बड़ी संख्या में आकर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 6, केरल और बिहार की 5-5, पंजाब और असम की 4-4, सिक्किम की 3, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की 2-2, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट भी शामिल है। इसके साथ ही बिहार के समस्तीपुर और महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहा है।